हेलो फूडीज, वेलकम टू हमेज कुकिंग। सो कॉफी तो लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं चोको चिप कुकीज। तो चोको चिप कुकीज बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट आपके स्क्रीन पे लिखे आ रहे होंगे, उसको चेक कर लें। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से विस्क कर लेना है विस्कर से। सो हमारा जब क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा तो हमें इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो रेडी कर लेना है। सो एज यू कैन सी हमारा डो रेडी हो गया। अब इसको 10 टू 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर देना है। नेक्स्ट हमें अपने डो को कुकीज का शेप दे देना है। शेप देने के बाद हमें अपने कुकीज में ऊपर से चोको चिप्स ऐड कर लेना है। सो अब हमें अपने कुकीज को ओवन में रख देना है बेक होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट हो गए हैं। अब हमें अपने कुकीज को ओवन से बाहर निकाल लेना है। तो हमें इसको एक प्लेट में सर्व कर लेना है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कुकीज बनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।